अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी। सूखी और चटपटी, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। और इस तरह से आप बीन्स बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब मांग मांग के खाएंगे। तो बस मेरी कोशिश है आपको आसान सी रेसिपी दे सकूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और भी फैमिली मेम्बर आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुकर गरम होने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। हमारा गरम हो गया। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं। आप चाहे जो कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती हैं आप वो ले लें। 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1 बड़ी साइज़ का प्याज, इसे अच्छे से थोड़े से भून लेना है। अब यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसे भी भून लेंगे। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम एकदम ग्रीन वाले बीन्स। तो इस तरह मैंने लुकिंग वाइज थोड़े तिरछे कट में काट लिया है। आप चाहे जिस तरह काटना चाहे आप वैसे काट सकते हैं, लेकिन मैं लुकिंग वाइज इस तरह काट के इसे डाल रही हूँ। अब इसे प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भून लेना है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, ये डाल के अच्छे से थोड़े भून लेंगे। अब डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने के बाद 1 बड़ी साइज़ का टमाटर, रसीला टमाटर एकदम डालें आप, ये थोड़ा खटास हो। अब इसे टमाटर डाल के अच्छे से 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। तो ये हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक आप और मसाले आप टेस्ट अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले डाल के अच्छे से यहाँ पे भूनना है 2 से 4 मिनट के करीब। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबल से 3 टेबल स्पून के करीब पानी। तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सूखी चटपटी सब्जी बन रही है। अब यहाँ लीड लगा के बस 1 सीटी लगा दूँगी और गैस को इसी में रिलीज होने के लिए रख दूँगी। तो ये हमने सब्जी को तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम खूब सारा धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा चटपटी टेस्टी सब्जी बीन्स तैयार है। तो इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है नाज़रीन, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो ठंडे के मौसम भी हैं और ये ग्रीन सब्जी बीन्स वगैरह सभी हमें अवेलेबल आसानी से हो रही है। तो इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाएं, एकदम चटपटी सी, बच्चे और बड़े सब मांग मांग के खाने वाले हैं। इसे रोटी चावल जिसके साथ चाहे आप उसके साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार की बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरी हौसला अफज़ाई करें। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और लोग भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।